खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की दिखाते हैं, जहां के केदारेश्वर मंदिर में बारिश में तीन बार मंदिर के अंदर पानी घुस चुका है। रोज यहां भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने और झरने को देखने आते हैं। बारिश की वजह से झरने ने विकराल रूप ले लिया है और झरने से पानी की धार इतनी तेज है कि कोई भी मंदिर के पास तक नहीं जा सकता। पानी की वजह से मंदिर तक जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। आमतौर पर यह झरना इतनी गति से और इतना विकराल रूप में नहीं वहां पर होता है, लेकिन बारिश के बाद इस झरने ने विकराल रूप ले लिया है, जिसके बाद मंदिर तक जा पाना किसी भी श्रद्धालु के लिए मुमकिन नहीं है। देखिए मंदिर में किस तरह से पानी भरा हुआ है और कितनी तेज गति से पानी निकल भी रहा है। मंदिर के आसपास जाने वाले सभी रास्ते पानी की वजह से ब्लॉक हो गए। यहाँ पे केदारेश्वर जी का स्थान है और कुंड बना हुआ है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो बारिश का मौसम में यह झरना बहुत ही प्राकृतिक दृश्य बनता है और इस कारण हम यहाँ पे हमारे भाभी जी का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं और बहुत ही शानदार लग रहा है। और सावन माह में यहाँ पे पूरे माह बहुत भीड़ रहती है। सोमवार के दिन यहाँ पे भोलेनाथ जी का स्थान है, यहाँ के आसपास के सारे भक्त लोग आते हैं और दर्शन करके बहुत अपनी मनोकामना पूर्ण होती है सब लोगों की और ये प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है।